वेलकम बैक टू शाहिदा नाज इजी डेली रेसिपी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताऊंगी और इसके फ़ायदे बताने के साथ ही साथ मैं इसकी एक रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वो इसे आसानी से कंज्यूम कर सकें। और इस औषधि का नाम है कोच बीन्स। इसको अंग्रेजी में मुकुना प्रोरेंस या वेलवेट बीन्स भी कहा जाता है। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है लेकिन आयुर्वेदिक दवाई के रूप में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटीज़, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मेंटल फैटिक, स्लीप डिसऑर्डर, इसके इलाज में इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। मानसिक थकान, मेंटल फैटिक में इसका इस्तेमाल करने से बहुत ही हल्का महसूस होता है। इसमें कुदरती एल-डोपा रसायन होता है जिससे पार्किंसन के इलाज में इसका उपयोग किया जा सकता है। एक्सरसाइज के साथ इसके बीजों का सेवन करने से पार्किंसन पेशेंट की जीवन शैली में काफ़ी सुधार आता है। इसकी तासीर गर्म होती है और इसके पाउडर को सिर्फ पानी के साथ लेने से एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है। दवाई के तौर पर नियमित रूप से इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना चाहिए। इसके टेस्ट की वजह से इसे खाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको आज इसकी रेसिपी दूंगी जिसे आप आसानी से खा पाएंगे और आपको एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। 840 रुपए का 1 किलो कोच बीज का आटा है जिसे मैंने ऑनलाइन अमेजोन से मंगवाया था। इसके मैं लड्डू बनाने वाली हूँ तो इसमें जो भी सामान डालेंगे उसके रेशो को आप ज़रूर ध्यान में रखें। एक बर्तन में मैंने 250 ग्राम कोच बीज का आटा लिया है। इसे बिल्कुल धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक इसमें हल्की हल्की खुशबू नहीं आती और इसका रंग चेंज नहीं हो जाता। ये बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, इसलिए आप लगातार चलाते हुए भूनें और आँच को धीमी रखें। तो ये आटा भुन गया है, इसे भुनने में मुझे 8 से 10 मिनट लगे। इसका कलर चेंज हो गया है, इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लगी है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फ्लेम बंद करने के बाद भी इसे 1-2 मिनट लगातार चलाते रहें। अभी मैंने 50 ग्राम यानी आधा कप छोटी वाली गोंद ली है। 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे और थोड़ी थोड़ी गोंद डाल के इसे हम फ्राई कर लेंगे। घी जैसे ही गर्म हो उसमें गोंद डाल दें, एकदम तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए नहीं तो गोंद जल जाएगी। गर्म गर्म घी में थोड़ा थोड़ा हम गोंद डाल के फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई होगी और अच्छे से फूलेगी। घी की जगह आप कोल्ड प्रेस नारियल तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से गोंद वजन कम करने और शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करती है। इससे स्टेमिना बूस्ट होता है, लो विटामिन डी लेवल को ट्रीट करती है, जॉइंट के लिए अच्छी होती है और बैक पेन को भी रिड्यूस करती है। अब मैं इसमें थोड़ा घी और डाल रही हूँ और बची हुई गोंद को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो ये सारी गोंद मैंने फ्राई कर ली है। अब मैंने यहाँ पर 50 ग्राम अखरोट, 50 ग्राम बादाम और 20 ग्राम मखाने लिए हैं। इसमें एक्स्ट्रा घी नहीं डाला है, गोंद के बचे हुए घी में ही इसे हम हल्का हल्का 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। इसे फ्राई करने में ज़्यादा घी का इस्तेमाल ना करें। अखरोट में ओमेगा-3 होता है जो डिप्रेशन और एनजाइटी से फाइट करने में हेल्प करता है और हेल्दी गट को प्रमोट करता है। डायबिटीज़ और हार्ट पेशेंट वालों के लिए और बोन्स के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। बादाम में हेल्दी फैट्स, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन ई होता है। ब्रेन हेल्थ के लिए बादाम और अखरोट दोनों ही अच्छे होते हैं। मखाना एक रिच एंटीऑक्सीडेंट फूड है जो हमें इन्फ्लामेशन और क्रोनिक डिसीज से प्रोटेक्ट करता है। तो कोच के लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ 3 ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तीनों ड्राई फ्रूट्स हेल्दी होने के साथ ही साथ कोच के लड्डू के टेस्ट को काफ़ी बढ़ा देंगे जिससे आपको कोच का लड्डू खाने में आसानी होगी। तीनों ड्राई फ्रूट्स को मैंने हल्का हल्का फ्राई कर लिया है और मखाने फ्राई करने के बाद बिल्कुल क्रंची हो जाते हैं। अब तीनों ड्राई फ्रूट्स को मिक्सर में डाल के हम पीस लेंगे और कोच के भुने हुए आटे में मिक्स कर देंगे। अब जो प्लेट में घी लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा आटा डाल के पूरा घी हम अच्छे से पोंछ के ले लेंगे कि प्लेट में लगा हुआ घी वेस्ट ना हो। गोंद को भी मिक्सर में पीस कर हम कोच के आटे में मिला देंगे। आटे को मिक्सर में डालकर इसमें लगा हुआ घी साफ कर लेंगे। अब इसमें 1.5 चम्मच भर के ड्राई जिंजर पाउडर यानी सोल्ट का पाउडर मिलाएंगे जिससे एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 कप यानी 100 ग्राम ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर मिलाएंगे। गुड़ इसमें आप ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल करें। 100 ग्राम गुड़ इसमें बराबर होगा। इन लड्डुओं को हमें ज़्यादा मीठा नहीं बनाना है। 100 ग्राम गुड़ में इसमें हल्का सा स्वीट टेस्ट आएगा जिससे लड्डुओं का टेस्ट अच्छा लगेगा। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम घी मिक्स करेंगे। टोटल मैंने 200 ग्राम घी लिया था जिसमें से कुछ घी का इस्तेमाल मैंने ड्राई फ्रूट्स को और गोंद को फ्राई करने में कर लिया है और बाकी का बचा हुआ घी हम इसमें ऐड करेंगे। तो कुल मिला के हमें यहाँ पर 200 ग्राम घी लेना है। थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे और सबको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब आसानी से आप इसका लड्डू बांध पाएंगे। एक लड्डू को आपको बड़े नींबू के साइज़ के बराबर बनाना है। ये एक लड्डू लगभग 18 से 20 ग्राम का रहेगा जिसमें 7 से 8 ग्राम कोंच का पाउडर मिलेगा जो कि आपको दिन भर एनर्जेटिक रखने में हेल्प करेगा और आपको मानसिक थकान महसूस नहीं होगी और आप काफ़ी हल्कापन महसूस करेंगे। बस इसी तरह से हमें सारे लड्डू बांध लेना है। जितना मैंने इंग्रेडिएंट बताया है उसमें आप आराम से 35 यानी 35 लड्डू बना लेंगे।
तो आप इन लड्डुओं को बनाकर ज़रूर देखिए और आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए ताकि इसी तरह की आसान, हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।